से दोस्तों देखो ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है पिलर का पावी पुस्ता पर। देखो फाउंडेशन कितना लंबा चौड़ा है, ये देख सकते हो ये सारे पिलर बनते हुए आ रहे हैं और इसका पिलर का अब ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। फिर इसमें पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। देख सकते हो ये पिलर के स्ट्रक्चर के सरिया ये पड़े हुए हैं। इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है पावी पुस्ते का, ये देख सकते। और आगे है खजूरी पुस्ता और उधर से हम लौट के आए हैं, इधर हम चल रहे हैं इधर पावी पुस्ता की साइड में, यानी कि आपका क्या बोलते हैं बागपत साइड में चल रहे हैं। तो आप लोग तस्वीरें देख लो दोस्तों क्या किस तरीके से यहाँ यहाँ सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहां से ये खजूरी खास स्टार्ट होने वाला है और दोनों साइड में ही
ये पिलर बनाए गए हैं दोस्तों। और आपको बता दूं यहाँ पर ये फाउंडेशन बना के ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, इसमें अभी कंक्रीट नहीं भरा गया है। तस्वीरें देख सकते हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आप सभी को, उस टाइम पे यहाँ पर पाइल किया गया था और फाउंडेशन का काम चल रहा था दोस्तों। तो अब इसमें सारा फाउंडेशन बन चुका है और बनने के बाद में अब इसमें रिंग लगाई जाने, और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, ये पिलर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अब इसमें पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। दोनों साइड में देख सकते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम भी बन गया है पीछे का। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिया जाना, तो इस वजह से दोनों साइड में आप सभी को पिलर देखने के लिए मिलेंगे। दोनों साइड में देख सकते हैं इसके बीच में ये बीम रखा जाएगा, फिर दोनों पिलर को आपस में जोड़ा जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है पियर कैप के लिए, ये देख सकते हो तस्वीरें, ये अभी लेफ़्ट साइड के ही बन रहे। और सामने चमक रहा है ये खजूरी का फ्लाईओवर जो चला जाता है लेफ्ट में सिग्नेचर ब्रिज के लिए, यानी कि ISBT के लिए। और अगर हम राइट में जाते हैं तो हम चले जाएंगे भजनपुरा और ये आपका गाज़ियाबाद की साइड में दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये पिलर यहाँ पर ये बना दिया गया, भर दिया जा चुका है, ऐसे ही काम चलेगा। अभी यहाँ पर पाइलिंग का भी काम हो गया है और इसमें फाउंडेशन का काम भी किया जाएगा दोस्तों। तो ये सारा नज़ारा ये खजूरी खास है, देख सकते हो। अगर हम राइट में जाएंगे तो हम चले जाएंगे भजनपुरा, यमुना बिहार और गोकुलपुरी, इस साइड में चले जाएंगे। अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं दोस्तों तो हम चले जाएंगे पाबी पुस्ता होते हुए सीधे हम निकलेंगे जाके बागपत बड़ौत के लिए दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, तो यहाँ से हम चलेंगे, इसको फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों फिर पाबी पुस्ते पे दिखाता हूँ आप सभी को कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, तो वो आप लोग इस वीडियो में देखो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये पिंक लाइन के ये पिलर देखने के लिए मिलेंगे, पिंक लाइन बनाई जा रही है यहाँ पर खजूरी और यमुना बिहार के सामने। ये डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जो सबसे ऊपर तो पिंक लाइन का मेट्रो रहेगा, उसके बीच में फ्लाईओवर रहेगा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चलने लगा और ये पाइल मशीन लगी हुई है जो पाइल कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों इस फ्लाईओवर को ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा। तो आप लोग बताना कि वीडियो इंफॉर्मेशन कैसी लगती है आप सभी को दोस्तों। और बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर दिन रात वर्क चल रहा है, क्योंकि ये भी जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम जूम रहता है। और यहाँ पर ये पाइल करते हुए मशीन देख सकते हो, यहाँ पर बीच में ये पाइल करती जा रही है और साथ साथ इसका फाउंडेशन बना कर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा करते चले जा रहे हैं, उसमें रिंग लगा कर उसमें कॉन्क्रीट भरते चले जा रहे हैं। तो इधर अभी कोई कंक्रीट नहीं भरा है किसी भी पिलर में, देख सकते हैं आप लोग। तो आगे चलते आगे ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा, वहाँ पर ये रोड को एक्सपेंशन का काम चल रहा है, अभी रोड को भी एक्सपेंस किया जा रहा है और इसके ड्रेनेज भी बनाए जा रहे हैं। तो आपको बता दूँ जो बीच वाली लाइन रहेगी, थ्री लाइन इन साइड थ्री लाइन उस साइड, जो बीच का पार्ट रहेगा हाईवे का, उसमें अभी आपको बता दूं साइड वॉल का काम किया जा रहा, मिट्टी बिछाई जा रही। तो वो सब आप लोगों को आगे देखने मिलेगा, आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो। और ये है खजूरी पुस्ता, इसे पाबी पुस्ता बोलते हैं, सॉरी ये पाबी पुस्ता। देख सकते हो फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा कर दिया दोस्तों। अब इसमें अब ज़्यादा वर्क बाकी नहीं बचा है, अब इसमें बस रिंग लगाई जाने, और रिंग लग जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर भर दिया जाएगा, क्या कंक्रीट के द्वारा भर दिया जाएगा, फिर इसमें पियर कैप का काम किया जाना है लास्ट में। तो देख सकते हो ये रिंग रखा हुआ है, ये रिंग ज़मीन के अंदर होल करके डाला जाता है, फिर उसके बाद में ये पाँच पिलर ज़मीन के नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद में एक पिलर ग्राउंड लेवल पर खड़ा किया जाता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है कुछ नज़ारा। और आगे देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से फाउंडेशन बनाते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से ये जब ज़मीन के अंदर जो पिलर जाता है उसको तोड़ के फिर उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ आगे, तो बने रहिए के पी संत के साथ में दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो। ये सारे में मिट्टी इट्टी पड़ी हुई है और अभी यहाँ पर स्लो डाउन इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से लगा हुआ रहता है दोस्तों। आए दिन यहाँ पर ये आप लोगों को जाम देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर मिट्टी निकाल दी गई है और इसका फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है। देख सकते हो टीम लगी हुई है और इनको तोड़ने का काम कर रही है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये तोड़ रहे हैं इसको और तोड़ने के बाद में फिर इसके सरिये निकाले जाएंगे। सरिये निकालने के बाद फिर इसकी मिट्टी लेवल की जाएगी, फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों। तो पहले तो ये चारों पिलर ही तोड़े जाएंगे, तोड़ने के बाद में इसमें ये सरिये निकालेंगे, सरिये निकालने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाने का काम होगा, फिर ऊपर की साइड में इस पर पिलर को खड़ा किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को के पी संत के वीडियोस कैसे लगते हैं दोस्तों। और ऐसी इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो। ऐसे ही वीडियोस में पर डे लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। देख सकते हो ये जेसीबी मशीन जो कि ये पायल करके मिट्टी को निकालती है, और देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो कि इधर उधर सामान कर रही है। और देखो वो जेसीबी लगी हुई है, ये पायल मशीन का जो मिट्टी है वो निकाली जा रही है। इनको पिलर को खाली करेंगे और फिर इनको तुड़ाई का काम चलेगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों। तो यही अभी वर्क चल रहा है पाबी पुश्ते पर, और आगे अभी जो वर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है रोड को एक्सपेंशन का काम चल रहा है अभी दोनों साइडों में, इधर भी उधर भी। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, आप बने रहिए केपी संत के साथ में, ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हो जो पिलर का स्ट्रक्चर का सरिया है वो देखो ये रखा हुआ है दोनों साइड में, और ट्रक से उतारा भी जा रहा है दोस्तों। जो ऊपर ग्राउंड लेवल पर जो पिलर खड़ा किया जाएगा वो देख सकते हो ये वाले सरिये हैं, ये ट्रक से बना बना के यार्ड से ही लेके आ रहे हैं। जो इनका मिक्सर प्लांट और ये वो है वहीं से आते हैं ये सरिये। देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी निकाली जा रही है और इसको ये पिलर निकाले जाएंगे अब ज़मीन वाले, फिर इनकी मिट्टी साफ करके फिर इनको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बना देने के बाद में फिर पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और नीचे हमें कमेंट करके बताओ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता हर जगह के। और जहाँ भी आपके शहर में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें नीचे कॉमेंट करके बताओ, हम वहाँ का भी वीडियो बना कर आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही इन्जॉय दिस वीडियो देखते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो अब इसका ये फाउंडेशन बनाया गया है, किस तरीके से फाउंडेशन बनाया गया है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। देखो ये फाउंडेशन बना दिया है इसमें, अब देखो ये सेटरिंग लगा रहे हो और इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। तो इसका देखो ये लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, देखो फाउंडेशन बना दिया है और बार बार तो इसकी सेटरिंग लगा रहे हैं। अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा और पिलर का स्ट्रक्चर भी देखो ऊपर खड़ा कर दिया। अब इसमें और सरिये लगेंगे, फिर इसका और ऊंचाई मतलब कि हाइट की जाएगी दोस्तों, या नहीं भी की जाएगी क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर रहेगा शायद, मुझे तो लग रहा ये लास्ट पिलर है तो यहाँ पर ये इतना ही पिलर रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है मेरे दोस्तों, आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। देखो आप लोग, तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो ये एक्सपेंशन का काम चल रहा, रोड को एक्सपेंस किया जा रहा है अभी, दोनों साइड में ही ये चौड़ा किया जा रहा, फिर इसमें अच्छी वाली मिट्टी डालेंगे, फिर इसके बाद में लेवल किया जाएगा, और आगे इस रोड को चौड़ा भी किया जा रहा, जो साइड वॉल इसमें लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।